पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में भारतीय समय के अनुसार आज शाम 6:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सैनिक अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई थी, जिसको भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चुनौती दी थी। आज ये फैसला नीदरलैंड के शहर हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत सुनाएगी। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 3 मार्च 2016 को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। इसके बाद जाधव को मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि भारत पाकिस्तान के दावों को सिरे से खारिज करता आ रहा है। वहीं भारत का कहना है कि कुलभूषण जाधव रिटायरमेंट ले चुके थे। वे बिजनेस के सिलसिले में ईरान गए थे, जहाँ से पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों ने उनको अगवा कर लिया था। भारत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत के जरिए जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी। फैसले को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। भारत की दृष्टि में जाधव के हक में फैसला आना सबसे बेहतर होगा, क्योंकि इसके बाद भारत पाकिस्तान से जाधव की रिहाई की मांग करने की स्थिति में होगा। अगर अदालत को लगता है कि पाकिस्तान की सैनिक अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया का सही पालन किया है, तो जाधव की फांसी की सजा बरकरार रहेगी। इन दोनों बातों के अलावा अदालत भारत को दूतावास के जरिए जाधव से संपर्क करने की इजाजत दे सकती है। इस बात की भी संभावना है कि जाधव का केस पाकिस्तान की आम अदालत में चले और जाधव को कानूनी मदद मिल सके। माना जा रहा है कि इस फैसले का भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर गहरा असर पड़ा है। दोनों देशों के संबंध पहले से ही खराब चल रहे थे। हालांकि पिछले कुछ दिनों में संबंधों में बेहतरी के थोड़े बहुत संकेत मिले हैं। मंगलवार की सुबह ही पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस भारतीय और विदेशी एयरलाइंस के लिए 5 महीने के बाद फिर से खोल दी। गौरतलब है कि फरवरी में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया था। इसके बाद ही पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर दी थी। न्यूज़ डेस्क।